नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम मैथ्स का टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज में आपको सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिलेंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, कई बच्चे हमें जरूर चैनल को हमारे फॉलो करते हैं, देखते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है, आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं मैं, तो आपका बस इतना सा, बस थोड़ा सा काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि x प्लस वन अपन एक्स इज इक्वल टू थ्री, तब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, इसके लिए फार्मूले मैंने आपको पहले ही बताया है। आप चाहे तो बीजगणित का जो मेरा टेस्ट सीरीज है उसको आप जाके देख सकते हैं। देखिएगा, फार्मूला होता है आपका x प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू ए हो तो फार्मूला हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस टू। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू थ्री हो तो, अब देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से थ्री हो जाएगा, तो ए की जगह आप रखेगा थ्री का स्क्वायर माइनस टू। थ्री का स्क्वायर होगा नाइन, नाइन में माइनस टू करेंगे आंसर आएगा आपका सेवेंथ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवेंथ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाए कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हो तो जरूर आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स के सारे वीडियोस देख लेंगे, वही से पूरे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं जो कि मैं आपको टेस्ट सीरीज में बताता हूं। ठीक है, चलिए, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आपका वृत्त से आए चाहे वर्ग से आए, इन सभी के लिए ट्रिक मैंने आपको बताया है। देखिए, इसका फार्मूला होता है आपका 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब आप देख सकते हैं कि यहां कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 5% बढ़ाया जा रहा है, तो x के जगह हम रख लेंगे 5। ठीक है, चलिए रखते हैं, यहां x है 5 रख लीजिएगा, यहां भी 5 हो जाएगा आपका अपॉन 100, तो 5 2 10, 5 के स्क्वायर 25 होता है अपॉन 100। इसको डिवाइड करिएगा, देखिए दो जीरो है तो 1 और 2, दो अंक के पहले आपको लगा देना है दशमलव। ठीक है, इन दोनों को प्लस करिएगा, 10.25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही बनने हैं। देखिए कितने इजी वे में आपको बताया हूं, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको ऐसे ही बनाना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है, आधी दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तय की गई दूरी अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको निकालना पड़ेगा औसत चाल, क्योंकि आधा आधा दूरी का अलग अलग दिया आपको। आधी दूरी जो है 21 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी जो है आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका एवरेज स्पीड निकाल लेना है, औसत चाल। तो औसत चाल के लिए आप पहले फार्मूला देखेंगे, औसत चाल एवरेज स्पीड, इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहां से आप वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। देखिए, एक वैल्यू हमको दिया है 21 और एक दिया है आपका 24, तो दो, या 21 रख लीजिएगा, ये 24 हो गया आपका। 21 और 24 दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा आंसर आपको समझ आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, 2 × 21 × 24 अपॉन, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा आपका, 4 और 1 5 और दो 4, ये हो गया आपका 45। चले काट देते इसको अपन, 3 7 21 और 3 × 3 3 5 15। ठीक है, और तो कुछ डिलीट होना नहीं यहां से, तो बाकी सबको ऐसी रख दीजिए, 7 × 14 × 24/15, ये निकल गया बेटा आपका 4। हमको निकालना है दूरी,
तो हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिएगा हमको निकालना है दूरी, तो हमारा फार्मूला अब क्या रहेगा, दूरी बराबर ये ऊपर जाएगा तो चाल गुणा समय, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब हमको मालूम है, देखो चाल हमने निकाल रखा है यहां पास 14 गुणा 24 बटे 15, और समय लेता है टोटल वो 10 घंटे का यात्रा में। तो यहां आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर डिलीट कर दीजिएगा, 5 × 15 = 10, और कुछ कटने वाला यहां से, 3 × 3 = 3, 3 × 8 = 24, फिर हो जाएगा आपका 12, और ये गुणा 2 करेंगे तो आएगा आपका आंसर 224 किलोमीटर। क्लियर? तो ये आपके ऑप्शन में मिलेंगे आपको ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 224 किलोमीटर राइट आंसर। देखिए ये भी क्वेश्चन शानदार है, और ये पिछली बार प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है, तो 20 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगा। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दो लाइन में आंसर बताता हूं। 48 आपका लीटर है और ये चलता है आपका 432 किलोमीटर, तो हमको पूछा है क्वेश्चन कि 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगा। तो 20 लीटर के लिए आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो इतने में इतना, तो इतने में कितना, ये आपको समझना है। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देखे, इसके साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, यहां क्वेश्चन मार्क के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करिएगा 20 × 432 / 48, ठीक है, इसको अपॉन में लाइए, दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इसको लाएंगे आप अपॉन में। देखिए यहां तक यदि आपको समझ नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल सी चीजें रहती है ना, आपके समझने में बस में थोड़ा सा फेर हो जाता है, ठीक है। देखिएगा इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको अपॉन में लाना है, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। इस देखिए 48 लीटर पेट्रोल है, 432 किलोमीटर चलता है, तो 20 लीटर के पेट्रोल में कितना चलेगा, तो इतने में इतना, तो इतने में कितना, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और इसे डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए करते हैं, 4 × 5 = 20, और ये हो जाएगा आपका 4 × 4 = 8, ठीक है। अब 14 से इसको कर लीजिए आप, 4 × 4 = 8, अब इसको आप कर लीजिएगा, 12 से कटेगा ये, तो 12 × 3 = 36, और यहां पास बचेगा आपका 7 × 12 = 72, तो 36 × 5 करिएगा, 6 × 5 = 30, तो 0 हासिल 3 आ जाएगा, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 18, 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। देखिए दो तीन लाइन में आपके आंसर आ चुके हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में करने हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय एग्जाम में रहता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसके आंसर्स आपको करने हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 3x - 5y, फिर प्लस वाई स्क्वायर का फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 5y, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आपको। चलिए इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करिएगा, तो 3x पावर, देखिए यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 कितना रहेगा, 3, माइनस, या माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाइएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो यहां कुछ भी नहीं है, तो जो नंबर है आपके 5, तो 5 आप लिख लीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 × 5 ही होगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर और वाई का मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए जैसा है वैसा लिख दीजिए आप, फिर इसके साथ करिएगा, तो देखिए यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये 3 के साथ गुणा होगा तो 3 ही आएगा, फिर वाई स्क्वायर और एक्स दोनों अलग अलग पद हैं, तो ये बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, जैसा है वैसा लिखिएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 5, और वाई के घात में 2 है, यहां कुछ नहीं है, घात में तो 1 है, तो 2 और 1 कितना रहेगा, 3, वाई के घात आ जाएगा आपका 3, तो ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप चेक करिएगा, ठीक है। देखिए सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो 2023 का प्रयास का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है वहां से भी आप क्वेश्चन का हमको गणित के खास तौर पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दीजिए, तो जो कठिन क्वेश्चन है वो सभी मैं वीडियो में लाया हूं,
है ना, आप देख सकते हैं कैसे उसको बनाना रहेगा, और ऐसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है आपका, 55 अंश का पूरक कोण है। तो देखिए पूरक कोण आखिर होता क्या है, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे हम कहते हैं पूरक कोण। अच्छा, संपूरक कोण से यदि क्वेश्चन आएगा तब, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे हम कहते हैं संपूरक कोण, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो हमको पूछा है 55 अंश का पूरक कोण, तो भाई एक हमको दे दिया है 55 अंश है, मान लीजिए अगला वाला अपना x है, ठीक, बराबर दोनों का योग कितना होता है 90 अंश होगा, क्योंकि बात हुई है पूरक कोण की। पूरक कोण अर्थात जिन दो कोणों का योग कितना हो रहा है 90 हो रहा है। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो आप इसमें माइनस कर लीजिएगा, 90 माइनस हो जाएगा आपका 55, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8, 8 में 5 घटाइएगा 3, तो x का वैल्यू आ गया आपका 35, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देगा उसको 90 में माइनस करना, आंसर आ जाएगा आपको। आपको डायरेक्ट ये ताम झाम नहीं करना है, डायरेक्ट करिए 90 माइनस 55, सीधा ये आपका 35 आंसर आएगा एक लाइन में। ठीक है, तो जैसा आपको बनाना है वैसा बनाइए, आंसर आना चाहिए बस। अष्टभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो देखिए अष्टभुज का मतलब होता है जिसमें 8 भुजा हो और 8 कोण, ठीक है, तो यहां अष्टभुज, अष्टभुज इसका मतलब हो जाएगा आपका 8, ठीक है, तो n का वैल्यू आ गया 8, और हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180, फार्मूला में वैल्यू पुट अप करिए, n का वैल्यू रहेगा आपका 8, 8 में से 2 घटाइए, ये आपका 180 हो गया, तो आएगा 6, तो 18 छिका होता है 108, और एक जीरो लगाया तो एक जीरो लगाइएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1080। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, दोनों की आयु का गुणनफल 6300, पुत्र की आयु हमको ज्ञात करना है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पिता, पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात हमको दिया है, ये दिया है 7:4, तो हम इसको ले सकते हैं 7x और पुत्र की आयु को ले सकते हैं अपन 4x। अब क्वेश्चन बोलता है कि ये दोनों का गुणनफल, मतलब 7x और 4x इन दोनों का गुणनफल 6300 के बराबर है, तो देखिए इसको गुणा करिएगा, x square हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू को आप नीचे लाइए, 7 × 4, 7 से इसको काटिए, 7 × 63 ये आपका 900 हो जाएगा, फिर 4 से काटिएगा, 4 × 8 और ये हो जाएगा आपका 225, तो x² = 225, x² =, देखिए किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x का वैल्यू है आपका 15। अब हमको इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हमने क्या मान रखा है 4x, तो वहीं आप वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, 4x का वैल्यू 15 × 15 = 60, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, खत्म। देखिए शानदार क्वेश्चन है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो प्रत्येक संगत कोण का मान होगा। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इसके सारे कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होते हैं। तो हम आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हमको बोल रहे हैं कि दो समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, बाय द वे ए बी है और ये आपका सी डी है, ये दो आपके समांतर रेखाएं हो गई। अब इसको कोई तीसरी रेखा है, बाय द वे इसका नाम एल है, जो क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है। तो इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए आप, देखिए ये एक सिंगल लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो टोटल 4 कोण बनाएंगे, ये देखिएगा 1, 2, 3 और ये 4। इस स्थिति में अपोजिट साइड में जो हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब एक नंबर का जो कोण है वो कोण 3 के बराबर होगा और 2 जो है वो 4 के बराबर होगा, ठीक।
इसे कहते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, क्लियर। अब इसमें भी सेम बनेगा, देखिए एक ये लाइन हो गई और एक एक लाइन, इसको आप भूल जाइए वाली लाइन को, ये एक हो गया और दूसरा हो गया, तो यहां भी चार बनेंगे, एक दो तीन और चार। फिर से इसके लिए जब ये लाइन खोलेंगे तो यहां से हमने चालू किया था, इसलिए यहां से चालू करेंगे, पांच छ सात और ये आठ, ठीक। अब इसी में आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, अगर ये आपको समझ आ गया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूं शीर्षाभिमुख कोण को, क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब आप इसमें समझ, देखिए यहां भी शीर्षाभिमुख कोण है, एक बराबर तीन, दो बराबर चार, पांच बराबर सात, छह बराबर आठ, ठीक। तो ये भी आपके कॉन्सेप्ट में है। इसके बाद हमको क्वेश्चन में पूछा गया संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण मतलब सगा सगा, सेम प्लेस में जो रहेंगे, जैसे इधर एक है और इधर क्या है पांच, तो एक बराबर हो जाएगा आपका पांच का, उसी प्रकार दो बराबर हो जाएगा छह का, और चार बराबर हो जाएगा इस नीचे वाले का, तो चार बराबर आठ, और इधर तीन बराबर हो जाएगा सात का। ये कुल मिला के जितने भी संगत कोण हैं वो सभी क्या हैं, समान हैं, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और समझिएगा, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, और एक होता है आपका अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। अब समझिए इसमें क्या होता है, देखिए एकांतर कोण मतलब आपको तिरछा देखना है, और जब बाहर की बात बोले, देखो बाहर का हिस्सा ये है और ये है, अंदर का हिस्सा इतना बस ही आपका राउंड देखेगा, ये अंदर के हिस्से है, मान लो एक घर है तो अंदर में इतने लोग हैं और बाहर में ये भाई साहब है और ये भाई साहब है, ठीक है। चलिए अब इसमें समझते हैं बाह्य कोण, तो एक जो है किसके बराबर हो जाएगा सात, मैंने कहा आपको तिरछा देखना है, तिरछा ऐसे, दो किसके बराबर हो जाएगा आठ का, ये हो गया आपका। उसी प्रकार आप अंतः एकांतर कोण जब देखेंगे तो अंदर में देखना है, चार किसके बराबर होगा छह का, तो चार हो गया आपका छह के बराबर, तथा इधर आप देखिएगा तीन और पांच, कोण तीन बराबर हो जाएगा कोण पांच का, ये दोनों तिरछा हैं, ये आपके अंदर के एकांतर कोण हो गए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती, देखिए दो समांतर रेखाएं हैं उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो प्रत्येक संगत कोण का मान क्या होता है, तो प्रत्येक संगत कोण का मान क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन निम्न में से किसके इकाई के स्थान पर छह होगा, पहले आप ऑप्शन को चेक करिए, ऑप्शन ए आपका 19 का स्क्वायर, तो ये होता है आपका 361, यहां 6 आया का इकाई में नहीं आया, ऑप्शन बी है आपका 11 का स्क्वायर है, तो 11 होता है आपका 121, और आपका हो गया 24 का स्क्वायर, तो ये होता है आपका 576, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप चेक कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर ये होता है 169। हमको क्वेश्चन में पूछा गया इकाई में 6 आना चाहिए, है ना, क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसके इकाई के स्थान पर 6 होगा, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।